हाय गाइस, मैं शॉन, तो आप देख रहे हैं टेक शॉन, और इस वीडियो में आपको तीन MIUI थीम सजेस्ट करूंगा सभी शॉमी डिवाइस के लिए। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप थीम सर्च कर रहे हैं MIUI 12 के लिए, तो मैं आपको तीन थीम सर्च करने वाला जो कि काफी इंटरेस्टिंग थीम्स है। तो अगर आप देखिए फर्स्ट थीम में गूगल का फोल्डर में, तो इसमें आपको काफी क्लीन और मिनिमल आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में भी आपको काफी क्लीन और मिनिमल आइकन पैक देखने को मिलने वाला है। और अगर आप जाइएगा इसका कंट्रोल सेंटर, तो इसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको जो टॉगल्स है, आपको व्हाइट कलर का टॉगल्स देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको अनेबल कीजिएगा तो इसमें आपको क्रोमा ग्रीन कलर का बटन देखने को मिल जाएगा या टॉगल्स देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी न्यू टाइप का कंट्रोल सेंटर है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा कुछ न्यू कंट्रोल सेंटर चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप देखिएगा सेटिंग में अबाउट फोन में, तो उसमें भी आपको जो पहले MIUI 12 का लोगो था उसमें आपका लाइन UI का लोगो डाल दिया गया। और ऑल स्पेक्स में भी आपको थोड़ा बहुत जो टॉगल्स का लोगो है या आइकन है वो आपका चेंज कर दिया गया। और जितने भी आपका सेटिंग्स में टॉगल है वो आपको काफी क्लीन और मतलब काफी न्यू टाइप का टॉगल्स आपको देखने को मिल जाता है। और ये आपका थीम डार्क मोड भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपको डार्क मोड चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं थीम को, काफी इंटरेस्टिंग उसमें भी हो जाता है। और अगर आप चाहिए इसका डायलर में, तो डायलर चेंज नहीं होता है, बट मैसेजिंग ऐप में आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैसेज जो सर्च वाला बट मतलब बार है, उसमें आपको ग्रीन कलर का फिर से टिंट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको सिंपली इसका लॉक स्क्रीन देखा, तो लॉक स्क्रीन आपको काफी क्लीन और काफी न्यू टाइप का देखने को मिल रहा है, जो कि बाकी सब थीम्स में काफी रेगुलर जो लॉक स्क्रीन रहता है वो आपको देखने को मिल रहा है। बट इसमें आपको पूरा जो है, अगर आप देखें तो स्ट्रैप टाइप का कुछ देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको सेटिंग, म्यूजिक और मतलब आपका पूरा टॉगल्स, आपको जितना भी कुछ है, डेट टाइम सब देखने को मिल जाता है। और अगर आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है, तो सिंपली आपको सर्च करना थीम ऐप में जाके साइन लाइन UI, तो साइन लाइन UI जैसे आप सर्च कीजिएगा तो ये आपको थीम मिल जाएगा। जैसे आप लाइन UI सर्च कीजिएगा, आपको इसका जितना भी थीम्स है डिजाइनर का सभी आपको मिलने वाला है। तो आपको साइन लाइन UI सर्च करना, आपको ये थीम मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप देखिए इसका सेकंड थीम, तो सेकंड थीम भी आपका काफी इंटरेस्टिंग। अगर आपको मतलब कि कुछ ब्लू या स्काई कलर का चाहिए था थीम, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरा जो गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में सेम टू सेम आइकन पैक देखने को मिल जाता है। और अगर आप जाइएगा इसका कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल सेंटर में भी आपको काफी इंटरेस्टिंग एक बैकग्राउंड में ब्लर देखने को मिलता है, जो कि वॉलपेपर के साथ है। और इसमें आपको टॉगल्स जो है ये भी आपको काफी इंटरेस्टिंग पर्पलिश मतलब आपको देखने को मिल जाता है। टॉगल्स अगर आप अनेबल कीजिएगा, डिसेबल रहेगा आपका टॉगल्स, तो आपका कुछ ऐसा कलर आपका बस ट्रांसपेरेंट रहेगा। और अगर आप जाइएगा इसका सेटिंग में, तो सेटिंग में भी आपको न्यू टाइप का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है ब्लर के साथ, तो ऑब्वियसली जो कि काफी अच्छा लग रहा है। पर्सनली मेरे को काफी अच्छा लगा ये थीम, मतलब अगर आपको एक क्लीन और अगर आपको मतलब एक इंटरेस्टिंग थीम चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। पूरा बैकग्राउंड में आपको एक वॉलपेपर देखने को मिलने वाला है। और अगर आप जाइएगा इसका डायलर में, तो डायलर में भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा, डार्क डायलर, डार्क मैसेजिंग ऐप, सभी कुछ आपका चेंज हो जाता है सेम वॉलपेपर के साथ। तो अगर आपको एक कंसिस्टेंट वॉलपेपर चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट एक थीम चाहिए, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। पर्सनली अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका लॉक स्क्रीन थोड़ा कार्टूनी है, जो कि आपका क्लाउड्स इधर उधर उड़ते रहेगा और आपको मतलब म्यूजिक बीच में आ जाएगा एक क्लाउड में, तो जिसका कुछ पता नहीं कि कौन सा पॉज, प्ले और प्रीव्यू और नेक्स्ट है, प्रीवियस और नेक्स्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये मेरे को थोड़ा खराब लगा। बट इस थीम को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको सिंपली सर्च करना होगा क्लाउड स्पेस DWM20। जैसे आप सर्च कीजिए क्लाउड स्पेस DWM20, तो ये थीम आपको मिल जाएगा। जाइए सर्च कीजिए, डिजाइनर सूट है, मतलब डायरेक्टली आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ये थीम, दोनों ही थीम मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप थर्ड थीम देखिएगा, तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड और आपको iOS का सेम मतलब आपको लोगो देखने को मिल जा रहा है। तो आपको टूल को फोल्डर में iOS इंस्पायर्ड लोगो देखने को मिल जाएगा, मतलब आइकन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखिएगा बाकी, जैसे कि इसका हो गया कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल सेंटर आपको iOS जैसा देखने को मिलेगा या iOS इंस्पायर्ड देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि छोटा सा थीम है और काफ़ी क्लीन और मतलब चूंकि एक हो सकता है लुक वो आपको दे दिया गया। और अगर आप जाइएगा सिर्फ सेटिंग में, तो सेटिंग में भी आपको न्यू टाइप का iOS जैसा टॉगल देखने को मिल जाता है, जो कि iOS इंस्पायर्ड टॉगल्स है। और बाकी अबाउट फोन में भी जो थोड़ा बहुत लुक है सेटिंग का, वो आपका फॉन्ट को बोल्ड कर दिया गया। तो ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था बोल्ड फॉन्ट, बोल्ड आइकन या टॉगल्स के साथ, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। पर्सनली मेरे को ये भी थीम काफी क्लीन लगा, वॉलपेपर अच्छा है। और अगर आप जाइएगा इसका डायलर में, तो डायलर भी आपको न्यू टाइप का देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब कुछ फ्रेश है। और अगर आप जाइएगा इसका मैसेजिंग ऐप, तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो जितना भी आपसे सभी में आपको चेंजेस थोड़ा बहुत देखने को मिलने वाला है। और अगर आप देखिएगा इसका लॉक स्क्रीन, तो आपको iOS जैसा लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ चेंजेस है और इंटरेस्टिंग है थीम, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। डबल टैप कीजिएगा म्यूजिक में, तो आपका म्यूजिक
मतलब एक्सपैंड हो जाएगा और आपका वेदर में एक्सपैंड, मतलब डबल टैप कीजिए तो वो आपका एक्सपैंड हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग एक थीम है, आपको एक बार ट्राई देना चाहिए। और अगर आपको सिंपली ये डाउनलोड करना तो आप सर्च कर सकते हैं विन 14 मॉड वी 12। जैसे आप सर्च कीजिएगा विन 14 मॉड वी 12 तो ये आपको थीम मिल जाएगा। तो जाइए सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो बहुत खराब काम कर रहे हैं, चाहिए चैनल को चुपचाप से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको बेल आइकन दिख रहा है तो उस पर टैप कर दीजिए। और कुछ भी कमेंट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूं कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।